बक्सर मुख्य डाक शाखा का लिंक फेल होने से लोगों और डाक के एजेंटों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दो दिन से कामकाज प्रभावित है, जमा निकासी और अन्य काम दो दिन से रुका हुआ है। ऐसे में लोगों का कहना है कि कोई सूचना नहीं दिया जा रहा है कि क्या समस्या है, क्यों लिंक फेल है, ना ही कोई सूचना पट लगाया गया है, ना ही कोई कुछ बात करता है कि कब तक लिंक आएगा। जमा निकासी जैसे कोई भी काम नहीं हो रहा है, आते हैं काम नहीं होता है और इंतज़ार करके चले जाते हैं। यहाँ पर आए हैं, लिंक फेल है यहाँ पर, ऐसे में क्या काम हो रही है अभी यहाँ पर? यही क्या फेल है, कल से ही यहाँ लिंक फेल है, कोई काम ही नहीं हो रहा है। किससे हम बात किए जाए, किससे पूछा जाए? लोग कह रहे हैं कि ऊपर से गड़बड़ है कि कहाँ से गड़बड़ है, हम लोग किसको जवाब दें, कहाँ से जवाब दें? देखा जा रहा है कि सुबह से आप यहाँ पर? हाँ समस्या हो रही है, कॉल से समस्या हो रही है आपको? कॉल से समस्या हो रही है, हम अभी जमा करने के लिए आते हैं, आप लिंक फेल होता है, इतना दूर से आते हैं, जाते हैं चीज़ों में क्या परेशानी है हम लोगों को, तो कोई देने वाला है? कुछ बताया नहीं गया है कब तक लिंक आएगा? कोई बताया नहीं, कोई नहीं बताता। क्या नाम है आपका? डाकघर बक्सर के प्रबंधक यशवंत कुमार सिंह ने बताया कि कोई मशीन जल गया है, पटना हेड ऑफिस में इसकी सूचना दे दिया गया है। वहां के टेक्नीशियन आए थे और मशीन जला हुआ था, जो कि उसका कुछ सामान यहां उपलब्ध नहीं है, थोड़ा समय लगेगा इसके लिए, हो सकता है कि एक दिन भी लग जाए। पटना से इसका सामान आएगा तो ठीक होगा, कुछ समय लगेगा क्योंकि जो हम लोग कर सकते हैं हम लोगों ने प्रयास किया हुआ है। अपने सीनियर अथॉरिटी को लिखा गया है जी सर, एक दो रोज में बन जाएगा। तो क्या वहाँ के टेक्नीशियन आ रहे हैं यहाँ पर? टेक्नीशियन कल आए थे जी, और उम्मीद है कि आज फिर आएंगे वो देखने के लिए। तो क्या ये बक्सर में है कि बाहर में भी है? अभी तो केवल बक्सर हेड ऑफिस में ही है। समस्या तो हो रही है कामकाज करने में? हाँ, कामकाज करने में समस्या हो रही है, मतलब आज हो जाएगा ये उम्मीद रखा जाता है कि आज हो जाएगा, उम्मीद है कि हो जा सकता है। सर पर्चे आपका? मैं यहाँ का पोस्ट मास्टर हूँ, जसवंत कुमार सिंह मेरा नाम है। वही राष्ट्रीय बचत अभिकर्ता संघ के एजेंट लोगों का कहना है कि यहाँ पर दो दिन से लिंक फेल है, पर इसकी कोई सूचना पट नहीं लगाया गया है। कब तक ठीक होगा या नहीं होगा, लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। निकासी, जमा, चेक और अन्य काम ठप पड़ा हुआ है, और इसकी सूचना कम से कम लगाई गई होती तो हमें भी दिक्कत का सामना नहीं करना होता। कोई समय सीमा दिया गया होता कि कब तक लिंक आएगा, काम शुरू हो जाएगा। उनके ये भी कहना था कि पासबुक प्रिंटर की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवसाय देने पर करीब एक माह के बाद ही कार्य होता है, जिससे निवेशकर्ता काफ़ी परेशान रहते हैं। चेक क्लियरेंस होने में 20-25 दिन का समय लग जाता है। सिटी न्यूज़ से राज रंजन के साथ गुड्डू आज़ाद की रिपोर्ट, बक्सर से। कल से ही यहाँ लिंक फेल लोग बता रहे हैं, कहीं सूचना बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ नहीं है। अभिकर्ता और जनता यहाँ का परेशान है, हम लोग आते हैं और दिन भर देख के चले जाते हैं, कुछ भी सूचना नहीं मिल पाता है कि डिपार्टमेंट की क्या गड़बड़ी है। अभी डाक अधीक्षक से बात हुई तो वो बोले कि हम सूचना पट पर या लिंक फेल का बोर्ड लगवाते हैं, लेकिन कहीं लगा हुआ नहीं है। तो अभी क्या हो रहा है यहाँ पर? अभी टोटल काम बंद है, कुछ कल ही से बंद है, कोई कार्य नहीं हो रहा है, नहीं रजिस्ट्री हो रहा है, नहीं स्पीड पोस्ट हो रहा है, जमा नहीं निकासी, नहीं अभिकर्ताओं का कार्य हो रहा है, किसी का काम नहीं हो रहा है। तो ऐसे में क्या कीजिएगा आप लोग जो काम नहीं होगा यहाँ? हम लोग सोचते हैं हम लोग का सूचना सरकार तक पहुँचे, जो दिक्कत है वो सूचना बोर्ड पर लिख के साटा जाए, इस परेशानी के चलते या इनके आदेश से डाकघर का काम बंद है। जब तक लिखित नहीं साटेगा तो यही होगा कि लापरवाही है। सरकारी डिपार्टमेंट में अगर किसी तरह की समस्या है तो उसका लिखित सूचना बोर्ड पर लगना चाहिए, चूंकि जनता या अभिकर्ता पढ़ के चले जाएंगे, जानकारी नहीं मिलेगा तो लोगों को इसमें दिक्कत होगी। हाँ, काफी दिक्कत होगी कि फॉल्ट क्या है, कितने दिन में निदान होगा, 48 घंटा हो गया नहीं होगा, कल 10 बजे से लेकर अभी तक कोई सुधार नहीं है। क्या बोल रहे हैं ये लोग, कहाँ से फॉल्ट है और क्या होगा? ये लोग तो कभी बता रहे हैं कि लिंक खराब है, कभी बता रहे हैं कि ऊपर फॉल्ट है, तो ऊपर मेल किया गया है, जैसा जवाब आएगा वैसा किया जाएगा। इनके द्वारा सूचना क्या मिला कि बक्सर में ही है कि और बाहर में भी है? हाँ, नहीं खाली बक्सर, प्रॉपर बक्सर का बता रहे हैं। हम लोग नई वही बाजार फोन करके पता किए तो काम चल रहा है, सिर्फ बक्सर मुख्य डाकघर का व्यवस्था खराब। क्या नाम है आपका? राम अयोध्या सिंह, सचिव मुख्य डाकघर बक्सर।
फेल होने से क्या समस्या आ रही है आप लोगों को? हम लोग दो दिन से आ रहे हैं और चले जा रहे हैं, कोई सूचना बोर्ड पर नहीं लिखा हुआ है। आप पब्लिक को भी परेशानी हो रही है, हम लोग को भी परेशानी हो रही है। क्या बोल रहे हैं डाक प्रबंधन? डाक पर कोई सूचना नहीं टांगे हैं। जिला भर में जितना पोस्ट ऑफिस है छोटा मोटा सब में काम हो रहा है, खाली मुख्य डाकघर में नहीं हो रहा है। काम तो सारा ठप पड़ा हुआ है, काम तो सारा बंद हुआ होगा। हाँ, कहाँ से है, क्या नाम है? कृष्णा प्रसाद, अधिकर्ता है। आप पोस्ट ऑफिस में आए हुए हैं, देखा जा रहा है कि यहाँ पे लिंक फेल है, ऐसे में काम काज कैसे हो रहा है यहाँ का? काम बिल्कुल खत्म हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है। तो आप लोग क्या कीजिए? बाधित है, लोग कहते हैं लिंक फेल है, तो लिंक फेल हमारा काम होना चाहिए ना, कल से फेल है। लिंक कब से फेल है? कल से ही फेल। कल से फेल है, सूचना नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। कब तक ठीक होगा? अभी तक सूचना नहीं है, ना कहीं बोर्ड टांगा गया है। आप क्या यहाँ पे हैं? हम यहाँ के अध्यक्ष राजेंद्र तिवारी। क्या नाम है आपका? राजेंद्र तिवारी।